अनामिकाज फूड जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। सबसे पहले मूंग दाल के हलवे के लिए हम लेंगे 3/4 कटोरी दाल। इस मूंग दाल को हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी पाउडर लगा हो निकल जाए। इस धुली हुई दाल को हम लोग पानी डालकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगोएंगे। ये देखिए हमारी दाल भीग चुकी है। इस भीगी हुई दाल को हम मिक्सर के बर्तन में ले लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसे जितना आप कम पानी में पीसेंगे उतना आपको भूनने में कम टाइम लगेगा। इस दाल को थोड़ा दरदरा ही रखना है ताकि टेक्सचर बहुत अच्छा आए। अब हमें कुकर में एक भगोना रखकर इसमें ये पीसी हुई दाल ले लेंगे और इसे 2 से 3 सीटी दे देंगे। आप चाहे तो इस दाल को डायरेक्टली भी भून सकते हैं। जब दबाव निकल जाए तब हम लोग कुकर खोल लेंगे और इस दाल को थोड़ा सा खुला कर लेंगे। इस तरह दाल उबाल कर उसे भूनने से दाल जल्दी भुन जाती है। आपको मेहनत थोड़ी सी कम लगती है। अब एक मोटी कढ़ाई में हम लोग लेंगे 1/2 कटोरी घी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालने से एक बहुत अच्छा टेक्सचर और इसमें खुशबू आती है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब हमारा गेहूं का आटा थोड़ा सा भून जाए तब इसमें हम डालेंगे उबली हुई दाल। इसे हम लोग मिलाकर स्मैश कर लेंगे ताकि ये जो गुठलियाँ है ये सारी टूट कर दाल खुली हो जाए। मैं इसे खुला करने के लिए स्मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह स्मैश कर रही हूँ ताकि इसके सारी गुठलियाँ डिसॉल्व हो जाए और दाल खुली खुली हो जाए। ये देखिए हमारी दाल काफ़ी खुली खुली हो चुकी है। इसे हम लोग धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। क्योंकि हमने ये दाल उबाल कर ली है इसलिए यह थोड़ी जल्दी भुन जाएगी। ये देखिए थोड़ी ड्राई सी लग रही है। वही अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो इसे और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो पहले ड्राई होगी फिर भुनी जाएगी। इसे हम लोग लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे और भूनते भूनते इसमें अगर कोई गुठलियाँ हमें दिखती है तो उसे हम लोग स्मैश कर देंगे। दाल हमें सुनहरी होने तक भूननी है। धीरे धीरे इस दाल का कलर चेंज हो रहा है। इसे लगातार चलाते रहिएगा वरना ये इवनली भुनी नहीं जाएगी। ये देखिए हमारी दाल सुनहरी हो चुकी है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए एक भगोने में हम लेंगे 1 चुटकी भर केसर, 2 कटोरी पानी, इलायची का पाउडर और 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी। आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डालिएगा। इसे हम लोग चीनी पिघलने तक उबाल लेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी तैयार है। हम भुनी हुई दाल में डालेंगे थोड़े कटे हुए पिस्ता, कटे हुए बादाम और अब हम डालेंगे इसे चाशनी। इसे हम मिला लेंगे और इसे ढककर धीमी आंच पर पका लेंगे। इसे हम बीच बीच में चला लेंगे। इसे ढककर हम तब तक पकाएंगे जब तक यह किनारी ना छोड़ने लगे। इसमें देखिए थोड़ा घी भी छूटने लगा है। हमारा स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा तैयार है। धन्यवाद।